हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एचटेट 2018 केमिस्ट्री से पार्ट 3 जनरल स्टडीज पोर्शन लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ये हमारा पार्ट 3 से पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है, इफ पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज फादर ऑफ पी, S is brother of T, T is daughter of Q, then paternal uncle of S is. Option number 1 R, 2 Q, 3 T, 4 P. तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमें दिया P जो है वो Q का ब्रदर है, P is brother of Q, R is father of P और R P का फादर है। तो इन दोनों रिलेशन से हमें पता चलता है R जो है वो Q का फादर भी है। सिमिलरली हमें आगे क्या दिया है, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड टी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो इन दोनों रिलेशन से हमें पता चलता है क्यू जो है वो क्यू एस का पेरेंट भी होगा, क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में। तो क्यू इज पेरेंट ऑफ एस ऑल्सो। अब अगर क्यू एस का पेरेंट है और क्यू और पी ब्रदर है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एस का अंकल कौन होगा, पी होगा। एस अंकल इज क्यू ब्रदर, तो क्यू का ब्रदर पी है तो एस का अंकल होगा पी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेशन, डायरी एंड एक्शन, तीनों ही बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो नेशन वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिक्शनरी में 1 टाइम एन आया है जबकि नेशन में 2 टाइम एन आया है। डबल एन आने की वजह से ये ऑप्शन हमारा नॉट फॉर्म वाले वर्ड के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। हमें लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो नंबर हमें गिवन है। इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो हम देखेंगे यहाँ से पहले 2 से यह प्राइम नंबर लेकर के हम देखेंगे, फिर 3 का या 5 का आप जैसे भी लेकर के देख लीजिए, फिर नीचे 2, 3। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। जब इसका एलसीएम 180 आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, उसी का कोई अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 180 बना है, 180 किस किस से मिलकर बना है, एक 2 से, एक 5 से, एक 3 से, फिर 2 से और फिर 3 से। यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 5 है जो सिंगल टाइम है। अगर हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें एक 5 का मल्टीपल और करना पड़ेगा, एक 5 की मल्टीप्लाई और हमें देनी पड़ेगी, तब यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें 180 में जब 5 का मल्टीप्लाई दिया, तो वो बनेगा 900। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 900। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इन ए सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज एक्स वाई आई जी जेड आर एम एंड सिक्वेंस इज कोडेड एज एच वी जे एफ वी एम एक्स वी, देन हाउ वुड एम यू एन डी एन ई बी कोडेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन दिया है हमें, सर्टेन के लिए जो ये वर्ड दिए, इनमें से हमें डायरेक्ट वर्ड उठाने हैं। यहाँ पे जैसे हमें एम यू एन डी ए एन ई, हमें यहाँ पे इन वर्ड्स की नीड है, तो हम एन के लिए देख लेते हैं। एन के लिए हमारा यहाँ पे एम आया है, एन के लिए क्या वर्ड यूज किया है, एम यूज किया है। और ई के लिए हम देख लेते हैं, ई के लिए वी यूज किया है, ई के लिए वी। तो लास्ट में हमारे जहां भी एम और वी होगा, वही हमारा राइट होगा। एम वी एम वी, इन दो ऑप्शन में ये रोंग और ये रोंग हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में से हमें एक वर्ड राइट हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हम डी के लिए देख लेते हैं, डी और ए के लिए, ए के लिए हमारा होगा थर्ड वर्ड है यहाँ से, तो जेड, ए के लिए होगा जेड, और डी के लिए क्या होगा, डी, डी के लिए हमारा यहाँ पे वर्ड हमें गिवन नहीं है, तो किसी और के लिए हम फिर एन के लिए एम देख लेते हैं। तो एम और जेड यहाँ पे, यहाँ पे डब्ल्यू और जेड है, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। स्टार को रिप्लेस करके हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर चेक करना है कि हमारा कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेट बैठेगा। तो ये आपको बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा, आप साइन लगा करके इसको अप्लाई करते जाइए और चेक कर लीजिए। जब मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया, अप्लाई किया, तो यहाँ पे 9
प्लस सेवन माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू टेन। अब इसमें बॉड मास अप्लाई करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, फिर नाइन प्लस सेवन एडिशन करेंगे तो सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा आपका टेन, टेन इज इक्वल टू टेन हो जाएगा, रिलेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर थ्री का जो आपको ये साइन दिया है यही हमारे यहाँ पे इक्वेशन में करेक्टली फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। यहाँ पे ए सी का फादर है, सी डी का सिस्टर है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके का रिलेशन तो ए आपका डी का फादर भी हो जाएगा इन दोनों से। आगे देखिए, डी इज सन ऑफ बी एंड बी इज मदर ऑफ डी, तो यहाँ इन दोनों रिलेशन से हमें साथ में ये भी पता चलेगा कि जो बी है वो ए का वाइफ है। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी कैसे रिलेटेड होगी, तो सिस्टर इन लॉ होगी, सिस्टर इन लॉ यहाँ पे भाभी एक तरीके से आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे हिंदी के ऑप्शन में साली गिवन है तो ये मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है साली किस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में साली को ही राइट आंसर दिया गया है, सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं यहाँ पे सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है 67, 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन 8% वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रिड्यूस दिस टू 4% वाटर। अगर आपका 10 लीटर टोटल मिल्क है उसके अंदर 8% वाटर है तो आपको कितना मिल्क और ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर कि आपका जो वाटर है वो 4% रह जाए। ये 8% वाटर है तो इसका मतलब आपका मिल्क कितना हुआ, 92% हुआ। सो हम 100 ग्राम मान लेते हैं तो 100 ग्राम में अगर आपका 8 ग्राम पानी है तो 92 ग्राम वाटर मिल्क है सॉरी, और अगर आपका आपको रखना वाटर 4 ग्राम तो आपका मिल्क कितना होना चाहिए, 96 ग्राम होना चाहिए। और ये सॉल्यूशन जो है आपका ये कितने में है, 10 लीटर में बन रहा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रिलेशन सिंपल सा करेंगे, वाटर को इक्वल कर लेंगे दोनों में, यहाँ पे 8 है तो इस इक्वेशन को हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 46 ग्राम मिल्क हो जाएगा, तो 4 ग्राम वाटर होगा। तो हमारा सीधा सा है, यहाँ पे जब 4 ग्राम वाटर था तो मिल्क हमारा कितना था, 46 ग्राम था, और यहाँ पर भी 4 ग्राम वाटर है तो मिल्क कितना है, 96 ग्राम। तो कितने का चेंज हुआ, डबल का चेंज हुआ, और आपको मिल्क निकालना है तो आप यहाँ से सिंपल सा रिलेशन कह सकते हैं कि जब 46 ग्राम मिल्क है तो आपका 46 ग्राम मिल्क कितने में है, परसेंट 10 लीटर में, एक में कितना होगा 46 और 96 में कितना मिल्क होगा आपका, इस तरीके से रिलेशन लगा के आपके आप देख सकते हैं कि आपका मिल्क टोटल उस टाइम पे कितना होना चाहिए, 20 लीटर होना चाहिए। तो आपको कितना और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, 10 तो पहले ही था, टोटल 20 होना चाहिए, तो 20 - 10 आपको 10 लीटर और ऐड करना है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ए थ्री डिजिट नंबर 4 × p × 3 इज एडेड टू 984 टू गेट ए 4 डिजिट नंबर 13 × q × 7। मतलब ये पूरा एक नंबर है, इफ 13q7 इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ q माइनस p विल बी। देखिए ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं, मेरा तरीका यहाँ से है कि मैं इस नंबर को पहले डिविजिबिलिटी से चेक करूंगी कि 11 से डिविजिबल हो रहा है 13q7, तो 13q7 मैं यहाँ क्यों रख रही हूँ, ये नंबर 13q7 11 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब हमारा 13q7 में इस तरीके से अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है वो जीरो आए, तो 7 + 3 = 10 हो गया, और q+1 हमारा क्या हो रहा है, q+1, तो 10 में से 1 गया 9 + q, तो 9 + q यानी q की वैल्यू ये जीरो कब हो सकती है, जब 9 की वैल्यू क्या आ जाए हमारी, सॉरी 9 - q, जब q की वैल्यू 9 होगी तभी 9 - 9 क्या होगा, जीरो होगा। तो मुझे यहाँ पे 9 का वैल्यू, q का वैल्यू क्या मिल गया, 9। अब यहाँ पे q का वैल्यू अगर मैं 9 रख रही हूँ तो 13, 9 और ये 7, इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देख लेती हूँ, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 13 बन जा 11, 2
9 कैरी किया, 11 टू जा 22, 7 7 11 7 जा 77, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब यहाँ 1397 यानी 1397 में से 984 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में हमारा नंबर क्या बन जाता है 413। तो 413 यहाँ पे यानी पी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। हम इसमें 413 ऐड करेंगे तभी हमारा 1397 बनेगा। ओके तो यहाँ से मुझे मिल गया पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या मिला 1, तो पी का वैल्यू मेरा हो गया 1, क्यू माइनस पी 9 माइनस 1 और ये हो जाएगा 8। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर डज द वर्ड ब्राइटर कंटेन इन सच डेट द टू लेटर्स ऑफ द पेयर हैव एज मेनी वर्ड्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे हमें इसने वो उतने वर्ड पेयर के बनाने हैं जितने कि उनके बीच में लेटर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में है। जैसे यहाँ पे हम देखते आई जी एच टी ई, पहला पेयर हम फर्स्ट साइड से चलते हुए ये वाला लेते हैं, ये वाला आई जी एच टी ई, ई और आई के बीच में कितने लेटर आएंगे ई एफ जी एच आई। तो देखिए यहाँ पे इतने ही अगर ई से चलकर आई तक आएंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट में बीच में तीन लेटर ही आएंगे और तीन लेटर ही इनके बीच में है, तो एक पेयर यहाँ पे हो गया हमारा। दूसरा देखिए जी एच, जी और एच में कोई गैप नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में भी कोई गैप नहीं है, तो एक पेयर हमारा ये बन गया, एक आर एस टी, आर एस टी इंग्लिश अल्फाबेट में आर और टी के बीच में एक ही लेटर आता है, यहाँ भी एक ही लेटर है, तीसरा पेयर ये बन गया। तो आपको फ्रंट से और बैक साइड से दोनों से इस तरीके से अपने पेयर काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा 3, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इफ इन ए कॉड लैंग्वेज पिट डरना मीन्स यू आर गुड, डर टॉक पा मीन्स गुड। तो यहाँ पे दोनों में डर कॉमन है, दोनों में गुड कॉमन है, डर का मतलब हो गया गुड। गुड एंड बैड, टीम ना टॉक मीन्स दे आर बैड। तो यहाँ पे दोनों में क्या है डर टॉक पा और टीम ना टॉक, तो दोनों में टॉक कॉमन है और यहाँ पे गुड एंड बैड दे आर बैड, तो बैड कॉमन है, तो टॉक का मीन्स क्या हो गया बैड। फर्स्ट वाली में और लास्ट वाली में टीम ना टॉक और पिट डरना, इनमें ना कॉमन है, दे आर बैड यू आर गुड, तो आर कॉमन है, तो ना का मतलब हो गया आर। तो हमें बताना है यहाँ पे सेम लैंग्वेज के अंदर दे का मतलब क्या होगा, तो दे किस में आया हमारा इसमें आया है, ना का मतलब आर है, टॉक का मतलब बैड है, तो टिम का मतलब क्या होगा दे होगा, तो टिम का मतलब क्या होगा दे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन हाफ आवर व्हाइल इट कम बैक इन हाफ एन आवर आर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 5 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नदी की दिशा में और अपस्ट्रीम होता है नदी से अपोजिट, जो जिस दिशा में नदी बह रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, और हमें स्ट्रीम की जो स्पीड दी है वो 5 किलोमीटर पर आवर दी है, तो बोट की स्पीड ज़्यादा होती है हमेशा स्ट्रीम से, तो यहाँ पे हम बोट की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हम टोटल डिस्टेंस जो बोट ने कवर की वो वाई मान लेते हैं, अगर डिस्टेंस टोटल बोट ने वाई कवर की है तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया वाई, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में एक्स हो जाएगा बोट की और फाइव हो जाएगा स्ट्रीम की, ये टोटल स्पीड हो जाएगी बोट की, और ये कितने टाइम में कवर कर रही है हाफ आवर में कर रही है। और दूसरा जो रिलेशन बनेगा टोटल डिस्टेंस, तो बोट ने अभी भी आते टाइम अपोजिट डायरेक्शन में आते टाइम वाई ही कवर की है, बट अब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नदी जो है बोट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड थी वो एक्स थी, बट स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे कितने टाइम में कवर हो रहा है हाफ एंड आर यानी 3/2। दोनों रिलेशन को कंपेयर करेंगे और सॉल्व कर लेंगे
तो जब यहाँ पे 2y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और 2y इक्वल टू 3x माइनस 15 हो जाएगा. तो x प्लस फाइव इक्वल टू 3x माइनस 15 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x रिएक्स इधर चला जाएगा तो 2x बन जाएगा और यहाँ पे 5 और प्लस 15 आएगा 20 बन जाएगा. तो 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, तो 10 किलोमीटर पर आर यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी, इसकी पॉट की स्पीड स्टील वाटर के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. इफ साइन ए माइनस कोस इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a क्या होगी. तो साइन ए माइनस कोस ए 0 है तो यहाँ से कोस ए को इधर लेके आएंगे तो साइन ए इक्वल टू कोस ए हो जाएगी. साइन ए कोस ए की इक्वल कब होती है, जब ए का वैल्यू 45 डिग्री होगा. ए इक्वल टू 45 डिग्री पे आपका एंगल 45 होगा तब दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे. तो यहाँ पे 45 का वैल्यू रखेंगे एंगल का, तो साइन 45 की पावर 4 प्लस कोस 45 की पावर 4, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू भी 1/√2. तो 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4. 1/4 प्लस 1/4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ. तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हाफ. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73. If south east is called east, north west is called west, south west is called south and so on, what will be north called? देखिए जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है हमारे, यहाँ ईस्ट होती है, यहाँ वेस्ट होती है, नॉर्थ या साउथ. ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. ये रिलेशन हो गई हमारे. इन रिलेशन में हमें बताया है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है और ये ईस्ट है. तो ये 45 डिग्री से वेरी कर रहे हैं. तो इसी को बस ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या बताना है कि नॉर्थ क्या कहलाएगा. तो नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा 45 डिग्री के डिफरेंस पे. तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा. If the length and breadth of a rectangular plot be increased by 50% and 20% respectively, then how many times will its area be increased? Length में कितना increase हो रहा है 50% का, यानी पहले length अगर 1 थी तो अब 50% और बढ़ गई, half और बढ़ गई, यानी अब कितना हो गया 1 + 1/2. एंड पहले length L थी तो अब L by 2 और increase हो गई, L का 50%. पहले breadth B थी तो अब 20% increase हो गई, यानी किसी का 20% निकालेंगे तो 1/5 होता है. यानी पहले b थी तो अब b/5 इंक्रीज हो गई, अब b/5 इसमें आप ये अब इसकी न्यू ब्रेथ हो. तो न्यू लेंथ आप सॉल्व करेंगे तो 3l/2 आ जाएगी और न्यू ब्रेथ आप सॉल्व करेंगे तो 6b/5 आ जाएगी. अब इनसे एरिया निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3l × 6b 18lb और 2 × 5 10, तो 18/10lb हो गया आपका lb. अब ये तो न्यू एरिया है, पुराना एरिया क्या होगा, पुराना एरिया तो एल बी ही होगा, एल लेंथ थी बी ब्रेथ थी, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो इंक्रीज इन एरिया कितना आ जाएगा आपका 8/10lb और 4/5, तो 4/5 आपका न्यू एरिया हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 75. इफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी. देखिए x का वैल्यू क्या हो गया 4 और y का वैल्यू क्या होगा 5, सीधा सीधा वैल्यू हमने यहाँ से मान लिया. तो यहाँ पे y की जगह 5 रखेंगे और x की जगह 4 रखेंगे और सोल्व कर लेंगे इसको. तो ये 4/7 माइनस 5 × 10 माइनस 4 6 और यहाँ पे 10 प्लस 4 14, इसको कट करेंगे तो 3/7 हो जाएगा. तो 4/7 माइनस 3/7 हो जाएगा 1/7. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 76. इफ देयर आर 28 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज एंड 21 ऑरेंज ट्री हैव टू बी प्लांटेड इन रो सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वैरायटी ओनली. जब ये सेम नंबर की बात आती है तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं. तो हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे 28, 42 और 21 का. तो इनका एचसीएफ आता है 7. द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबव ट्री मे बी प्लांटेड. तो मिनिमम नंबर ऑफ रो बतानी है अब, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे एक रो में तो वो 7 लगेंगे. अब 7 प्लांट के आपको मैंगो के कितने बनाने पड़ेंगे रो 4, एप्पल के कितने बनाने पड़ेंगे 6
और ऑरेंज के कितने रो बनाने पड़ेंगे आपको? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? 6 + 4 = 10 + 3 13 रोज आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्लांट आएंगे, सेम वैरायटी के आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए बी का ट्वाइस है और बी सी का थ्राइस है। इफ द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय सी इन 54 मिनट, देन इन हाउ मच टाइम विल बी कवर। अगर सी 54 मिनट में कर रहा है सेम डिस्टेंस, तो बी कितने टाइम में करेगा? देन इन हाउ मच टाइम विल बी कवर। देखिए सी 54 मिनट में करता है, तो बी उसका क्या है? थ्राइस है, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? 18 मिनट्स हो जाएगा। बी 18 मिनट्स में कवर कर लेगा उसको, 18 का थ्राइस क्या होगा? 54 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। ए मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अभी जो मैन है वो अपने बेटे से 14 ईयर ओल्डर है। अगर हम मैन की एक्स मान लें, सॉरी सन की एक्स मान लें, तो मैन की एज जो हो जाएगी, अगर हम सन की एज एक्स मानते हैं तो मैन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 14, फादर की एक्स प्लस 14। अब 2 साल बाद की बात करें, 2 साल बाद बेटे की तो हो जाएगी एक्स प्लस 2 और उसके फादर की हो जाएगी एक्स प्लस 16। एक्स प्लस 14 प्लस 2 एक्स प्लस 16। अब ये रिलेशन बता रहा है, उसमें क्या बता रहा है कि जो फादर की एज है डेट इज ट्वाइस द सन एज। तो सन की एज को हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो जब इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये रिलेशन हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 4 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर 12 बच जाएगा और इधर 2x में से x जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है 10, 12, 28, 90, 360, 1850। अब यहाँ पे जो नंबर है 360 जो है रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ये कैसे रॉन्ग है? देखिए जो रिलेशन बनाया है वो कुछ इस तरीके का रिलेशन बनाया है। 10 से 12 पर जाएंगे तो 10 + 1 = 10 + 2 = 12, 12 से 28 पर जाएंगे तो 12 + 2 = 24 + 4 = 28, यानी 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब 90 पे जाएंगे तो 28 + 3 = 6 = 90 बनेगा। इसी तरीके से 90 से नेक्स्ट जाएंगे तो 90 × 4 + 8 = 368 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ 360 दिया, डेट इज रॉन्ग। नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं, 368 × 5 + 10 करेंगे तो 1850 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80। इन ए बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:1, वेयर एज द रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी वाज 3:2। ए सी का रेशियो 2:1 का है, ए बी का रेशियो 3:2। इफ देयर टोटल प्रॉफिट इज ₹1573, हाउ मच अमाउंट बी विल रिसीव। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चाहे तो इसको 2-3 तरीके हैं करने के क्वेश्चन को। ए के वैल्यू 2 हो गया, सी का 1 हो गया। यहाँ पे ए का वैल्यू 3 आ रहा है, बी का वैल्यू 2 आ रहा है, अगर डायरेक्ट देखें। लेकिन हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं, ए को फिक्स कर लेते हैं। ए को फिक्स करेंगे तो बाकी 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2c और यहाँ से 2a इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2c आ गया और यहाँ से ए का वैल्यू ही आप निकालना चाह रहे हैं या बी का निकाल लेते हैं तो 2/3 a हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 a हो जाएगा। तो सी का वैल्यू निकाल लिया हमने, बी का वैल्यू निकाल लिया और ए को हमने ए रख लिया। अब ये कहता है टोटल अमाउंट जो है वो प्रॉफिट ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 1573। ए को ए रखो, बी को हमने क्या रखा? 2/3 ए और सी को हमने क्या रखा? सी को हमने रखा 1/2 a। इस रिलेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। इस रिलेशन को सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? ए का अमाउंट मिल जाएगा।
तब इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6a प्लस 4a प्लस 3a, 13a अपॉन 6 बनेगा, 13a अपॉन 6। 13a अपॉन 6 को हम यहाँ पे को हम 1573 के इक्वल रखेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, 1573 इंटू 6 13 वन जा 13, 27 13 टू जा 26, 13 वन जा 13, तो ये a का वैल्यू हो गया 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 1 कैरी 6 वन जा 6 और 1 7 726। तो यहाँ पे 726 हम b में रखेंगे और b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू क्या निकाल लेंगे हमारा यहाँ पे 2/3 a, 2/3 इंटू 726। तो 3 टू जा 6, 3 4 जा 12, 3 टू जा 6, 242 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 टू जा 484। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग। ये हमारा जीके पोर्शन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये हमें मैच करना है, कहाँ है वेजिटेबल का, करनाल में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर, फ्लावर का झज्जर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स इन सिरसा। एंड इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे आप मैच करेंगे इनको, मैच करके हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। द प्लेयर हु वन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2018, दैट इज बजरंग पुनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेंटेड ग्रे वेयर, यानी PGW पेंटेड ग्रे वेयर साइट, दैट इज भगवानपुरा। क्वेश्चन नंबर 84, द रीजन इन विच कॉलोनल जेरार्ड लीड द काउंटर अटैक अगेंस्ट 1857 रिवोल्यूशनरीज, डेट इज नारनौल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित नेकीराम शर्मा इज नॉट ट्रू, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में कौन सी चीज गलत है, सही नहीं है, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। हम देख लेते हैं सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पंडित नेकीराम शर्मा प्लेड ए वाइटल रोल इन द होम रूल मूवमेंट ऑफ लोकमान्य तिलक, दिस इज राइट। ही ऑर्गेनाइज्ड ए पब्लिक मीटिंग ऑफ गांधी जी एट भिवानी ड्यूरिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो राइट। ही पब्लिश्ड ए हिंदी वीकली संदेश फ्रॉम भिवानी, उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया, दिस इज ऑल्सो राइट। ही वॉज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1952 टू 1956, दिस इज रॉन्ग। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा डेट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग राइवलेट्स डज नॉट कन्वर्ज इनटू साहिब, इनमें से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होती है, राइट आंसर इज दृष्टवैती। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87, द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर द सेंसस 2011 इज 18.41%। यहाँ पे मेल का पूछा गया, हो सकता है आगे फीमेल का भी पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका जीके के अकॉर्डिंग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ग्लेशियर नेशनल पार्क शेयर इट्स बाउंड्री, ग्लेशियर नेशनल पार्क की बाउंड्री जो है कौन से राज्यों के साथ लगती है, वो दो राज्यों के साथ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान और पंजाब से नहीं लगती है, तो 1 और 2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट कवर अंडर द भावांतर भरपाई योजना, कौन सी फसल जो है भावांतर भरपाई योजना के अंडर नहीं आती है, तो यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन ये तीनों ही आती हैं, शुगर केन नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ए फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ ए विडो ए ग्रांट ऑफ रुपीज 51,000 इज प्रोवाइडेड, राइट।
मुख्यमंत्री विवाह योजना के शगुन के अंदर किसी भी विधवा महिला की बेटी की शादी के टाइम पे 51,000 रुपए की राशि दी जाती है और द इनकम ऑफ सच विडो लेडी मस्ट बी लेस देन 1 लाख पर एनम। और ऐसी विधवा औरत की जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दोनों ही इसके मुख्यमंत्री विवाह योजना शगुन योजना के स्टेटमेंट्स के अंडर आती हैं और दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ ही एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको जो HTET PGT लेवल का 2018 का पेपर था वो मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको पार्ट ए बी सी डी तीनों ही पार्ट करवा दिया, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी और आपके GK और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन था। आई होप सो ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।